श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष मनमोहक एक अच्छे इंसान के गुण देने वाला और हमें अच्छा मानव बनाने वाला और हमारा जीवन कैसे अच्छा बने, हमें अच्छे गुणों की कैसे प्राप्ति हो और हम समाज के अंदर जी करके किस तरीके से एक रोल मॉडल बन सकें और सबको प्रिय बने, परिवार हो, समाज हो, देश हो, विश्व हो, सबके अंदर हमारा एक भाईचारे का वातावरण हो, ऐसे संस्कार देने वाला और उसके बाद में योग दर्शन शिक्षा की बहुत सुंदर सुंदर बातें बताने वाला, विश्व के जितने भी धर्म दर्शन हैं उन सब धर्म दर्शनों की व्याख्या के बारे में बताने वाला, हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उन मूल्यों की पुनर्स्थापना कैसे हो उसके बारे के अंदर विचार विमर्श करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय कॉन्टेम्परेरी लिया जाता है, समीचीन लिया जाता है, जिसकी कि आज के युग के अंदर आवश्यकता है, आज को जिस चीज की लोगों को आवश्यकता है, जो संस्कार की आवश्यकता है वो दिए जाते हैं और हमारा मूल्य किस तरह से भारतीय संस्कृति के अलग अलग मूल्य किस तरीके से अच्छे हो सकते हैं वो बातें बताई जाती है। इसी क्रम के अंदर आज हम सोसाइटी से जुड़ा हुआ एक विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है संगति के गुण और दोष। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। एक कहावत है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, व्यक्ति संगति से जाना जाता है। हमारे एक राजस्थानी में कहावत है कि गोरियर कने बैठो तो गोरियर का गुण लो, काड़ियर कने बैठो तो काड़िया का गुण लो। यानी आप सज्जन व्यक्ति के पास में रोज बैठते रहोगे तो आप में सज्जनता आएगी और आप दुर्जन व्यक्ति के पास में बैठते रहोगे तो दुर्जनता आएगी। सज्जनता का अर्थ यह है कि अगर हम पढ़े लिखे व्यक्ति के पास में बैठते हैं, सन्यासी के पास में बैठते हैं, टीचर के पास में बैठते हैं, माता पिता के पास में बैठते हैं और धर्म गुरुओं के पास में बैठते हैं, मंदिरों में बैठते हैं और गुरुद्वारों में जाते हैं तो हमको वहाँ अच्छी अच्छी कुरान की आयतें मिलती है और ईसा मसीह के जो है हमारा जो गुरु जो हमारा जो होता है उसके अंदर जो है वो ईसा मसीह की बातें बताई जाती है, हर धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है और उसके अनुरूप हमारा जीवन ढलता है। अब वो दूसरा पक्ष लीजिए, आप किसी नशीड़ी के पास में बैठ जाते हैं, धीरे धीरे नशा करना सीख जाओगे। आप लुटेरे के पास के अंदर रोज बैठने लग जाते हो तो आप चोर डाकू बन जाओगे और उसके साथ साथ में आतंक आतंकवादी के गिरोह के अंदर चले गए तो धीरे धीरे आप आतंकवादी बना जाओगे। और दूसरा, ये मिलावट करने वाले जितने अपराधी लोग हैं उनके साथ चले जाओगे तो अपराधी बन जाओगे। हिंसक स्लॉटर हाउस वगैरह जो चलाते हैं उनकी संगति में जाओगे तो वैसे बनते जाओ, क्योंकि वहां के परमाणुओं का प्रभाव है। देखिए, हर स्थान का अपना प्रभाव होता है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर परमाणु फैले हुए हैं, दो तरह के परमाणु फैले हुए हैं, एक अच्छे परमाणु और एक बुरे परमाणु। अच्छे परमाणु अच्छा प्रभाव देते हैं, बुरे परमाणु बुरा प्रभाव देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूं। एक महान संत, महान योगी किसी स्थान पर प्रवचन देकर के चला गया और रोज उस स्थान पर प्रवचन देता है तो आप वहां आकर के बैठिए, आपको सुकून महसूस होगा, शांति महसूस होगी, अच्छे विचार आएंगे, अच्छा ध्यान लगेगा। और वह की वह स्थिति आप ऐसी गुफा में जाकर कीजिए जहां पर कि चोर लाटू डाकू लुटेरे रहते हैं, मारो काटो लूटो ऐसी की तरह रहते हैं, तो वहां पर जो है आपको यह महसूस होगा, डर लगेगा, आप जो है वहां से भागना चाहोगे, आपकी रूह कांपने लग जाएगी। ये परमाणुओं का प्रभाव होता है। जितने जितने मंदिर के अंदर हमारा ध्यान क्यों अच्छा लगता है, मंदिर में हम सुकून क्यों महसूस करते हैं, मंदिर के अंदर अपने आप को सिक्योर क्यों महसूस करते हैं, मंदिर में हम अपने आप को अपने दुख है सुख में कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, इसका कारण ये है वहां की संगति अच्छी है। मंदिर में भगवान विराजमान है, मनुष्य का ये शरीर एक मंदिर है, इसके अंदर भीतर हमारी शुद्ध आत्मा भगवान प्रभु विराजमान है और ये बाहर का जो शरीर है वो उसका मंदिर, इसलिए इसको पवित्र रखना चाहिए, मन को वचन को शरीर को पवित्र रखना चाहिए ताकि भीतर विराजमान प्रभु है वो हमसे नाराज ना हो, वो प्रसन्न रहें, वो प्रसन्न रहेंगे तो हमको आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे हमारा विकास होगा और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेंगे। भाई और बहनों,
दर्शकगण, इससे जुड़ी हुई अनेकों बातें हैं जो कि हम संगति से बता सकते हैं आपको। अब आप देखिए, मैं एक पुरानी आपको जो है कहानी बताना चाहता हूं, एक तोती के यानी जो मादा तोता है उसके दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए और वो 5 मिनट के अंतराल से दोनों पैदा हुए और जब उड़ने लगे एक तोता, दोनों तोते उड़ करके और माँ से विस्मृत हो गए, माँ से अलग हो गए, तो वो जो है संयोग से उसके कर्मों के कारण एक तोता एक सन्यासी के पास में चला गया। सन्यासी ने उसको पिंजरे के अंदर रख लिया और उसको रोज बुलाते हैं, राम राम, वेलकम वेलकम, आइए आइए, प्रणाम। और दूसरा जो जुड़वा भाई तोता था वो इत्तफाक से अपने बुरे कर्मों के कारण, बुरी संगति के कारण वो एक डाकू के पास में चला गया। डाकू ने उसी तरीके से उसको जो है पिंजरे के अंदर रखा और उसको ट्रेनिंग देने लगा, लूटो, जो कोई भी बाहर आता है तो बोलता है लूटो, मारो, खसोटो, और इस तरीके की वो जो है अपराध जन्य बातें करता। देखिए, एक माँ के एक ही समय में जन्मे हुए दो तोते हैं वो किस तरीके से हो गए, हालांकि उनके कर्मों का दोष है, लेकिन ये कर्मों का दोष कैसे हुआ, संगति के कारण हुआ है। इसीलिए संगति का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अपने से जो अच्छी संगति के लोग हैं, मोर इंटेलिजेंट है, मोर एक्सपीरियंस्ड है, हमें अच्छी बात बताने वाले हैं, उनके पास में बैठना चाहिए। सबसे अच्छी संगति होती है अपने माता पिता की संगति होती है। माता पिता बच्चों का हित चाहते हैं और वो एक जेनरेशन गैप होता है, कम से कम 25 साल का गैप होता है और माता पिता अनुभव के खजाने होते हैं। उनके पास में स्पेयर टाइम के अंदर बैठना चाहिए, उनकी संगति कहना चाहिए और उनको कहना चाहिए, उनको बताना, उनको कहना चाहिए आप हमें कुछ अनुभव की बातें, शिक्षा की बात बताओ, तो आपको बड़ी बड़ी शिक्षा देंगे, क्योंकि एक तो आप उनके पुत्र हो और एक उनके पास में ज्ञान है। वो चाहेंगे कि मेरा बेटा, अगर मैं रुपया हूँ तो मेरा बेटा सवा रुपया होना चाहिए, वो लगाव रख करके अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। और माँ के लिए तो कहा जाता है कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, सबसे अच्छे संस्कार देने वाली बच्चे को माँ ही होती है। 5 वर्ष की उम्र के अंदर माँ उसको खाना सिखाती है, उसको बोलना सिखाती है तुतली तुतली भाषा के अंदर, इसको मदर टंग कहा जाता है। हर एक को मदर टंग कितनी प्यारी होती है, जब हम मदर टंग बोलते हैं तो हमारा मुंह भर आता है, माँ बोलते हैं तो मुंह को पानी से भर आता है, कि दुनिया के अंदर मां का कोई स्थान ले सकती, जननी नहीं ले सकती। जननी जन्मभूमिश्च सर्गदा गरीयसी, जननी मां जो जन्म देने वाली है और जन्म भूमि जहां पर हम जन्म लेते हैं, दोनों का हम ऋण कभी भी नहीं चुका सकते हैं। इसीलिए अच्छे लोग होते हैं, दोनों का ऋण चुकाने के लिए मां बाप की को जो है वो इस संसार के भगवान मानते हैं और श्रवण कुमार की तरह उनकी सेवा करते हैं। तो दोनों मां बाप अंधे थे, श्रवण कुमार ने उसको कावड़ पर बिठा करके और वो पैदल जा करके उसने जो है माता पिता की इतना सेवा की, तीर्थ यात्रा करवाई। आज श्रवण कुमार बनने की आवश्यकता है। माता पिता तो अपना काम कर लेते हैं लेकिन संतान श्रवण कुमार नहीं बन रही है। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरी संतान दुख पाए, और वो संतान को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए अपने सारा न्योछावर कर देते हैं, पूरा जीवन, धन संपत्ति, सुख वगैरह सब न्योछावर कर लेते हैं, लेकिन समय आता है तो संतान बदल जाती है। और मैं संगति की बात कर रहा हूं, गुरु की संगति। गुरु, गुरु का अर्थ होता अंधकार, रू मन दूर, दूर करने वाला। गुरु एक ऐसा होता है जो कि ऐसा व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। ज्ञान के लिए दीपक की उपासना की जाती है, बड़े बड़े हम ज्ञान के कार्यक्रम करते हैं तो वहां पर दीपक जलाया करते हैं और हम जो है वो लाइटनिंग ऑफ द लैंप बोला करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जिस तरीके से दीपक जल रहा है हमारे भीतर जो ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती रहे, तो गुरु जो हमें ज्ञान देता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़ेर काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो गुरु की भक्ति करो, गुरु की उपासना करो, गुरु के प्रति विनय करो, तो आपको अवश्य ही अच्छा से अच्छा ज्ञान मिलेगा और वो ज्ञान हमारे जीवन का उद्धार करने वाला होगा। और तीसरे होते हैं
कि जो महापुरुष होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, जैसे कि हमारे जो देखिए स्वामी विवेकानंद को देखिए, और हमारे जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देखिए, दयानंद सरस्वती को देखिए, अपने अपने क्षेत्रों में कबीरदास जी, चैतन्य प्रभु, और जो रहीम है और भक्त रैदास है, कितने कितने बड़े महापुरुष हुए हैं, उनका साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्य भी एक तरह की संगति है। तो हमारी होली बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियंस, हमारे सबसे अच्छे जो है वो साथी होते हैं, वो हमारा अच्छा साहित्य होता है। तो इस तरीके से हम अच्छे लोगों के पास में बैठेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे। अब देखिए वर्तमान सिनेरियो में क्या हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये एपिसोड जो है भारत के 80 करोड़ युवाओं को समर्पित करना चाहता हूँ, कि क्योंकि युवा देश का निर्माण करने वाले हैं, युवा के अंदर जो है बहुत बड़ी शक्ति होती है, अगर वो शक्ति का विस्फोट करता है तो हमारा देश बहुत बड़ा विकास कर सकता है, और धर्म गुरु देश रहा हुआ है, पुनः धर्म गुरु बन सकता है, सोने की चिड़िया बन सकता है। हमारे धर्म के अंदर वही, हमारे देश के अंदर वही संभावना भी है, वो युवकों के द्वारा होगा। तो युवकों को खास तौर से जो है अच्छी संगति में रहना चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है, कुछ ऐसे बाहर के जो बैड एलिमेंट्स होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उन्होंने वो भीतर ही भीतर घुन की तरह आज खाए जा रहे हैं। ब्राउन शुगर, चरस, भांग, गांजा, और ऐसी स्मैक, इतनी इतनी बहुमूल्य जो कहना चाहिए एडिक्शंस है, उनको धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग करके हमारे कॉलेज में, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है उनको एडिक्टिव बना रहे हैं, उनको नशीली बना रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि आज हमारे युवाओं के चेहरे पर जो नूर टपकना चाहिए वो नूर नहीं है, मालूम पड़ता है कि ये नशा करता है और वह उनके चुंगल में आ गया। होता क्या है कि नशे के लिए पहले उनको फ्री दिया जाता है, तो फ्री देकर के उनको धीरे धीरे हेवा किया जाता, राजस्थानी भाषा में हेवा कहते हैं, अभ्यस्त किया जाता है, और थोड़े दिनों के बाद उसका आदि हो जाता है। तो उसको उसी समय पर, जैसे हमारे भोजन की भूख लगती है उसी समय हम उस नशे की आवश्यकता होती, आज ऐसा बहुत हो रहा है। आज हमारी युवा शक्ति भटक गई है, नशे के अंदर है, और पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति इतनी हावी हो गई है कि रात को बाहर के अंदर युवक युवतियां वो नाचते हैं, थ्रिलिंग करते हैं, और उसके साथ साथ में क्या क्या चलता है, मैं तो आपको कहने में मुझे लज्जा आती है, शराब चलता है, और जो है कपड़ों का कोई पता नहीं, ये नहीं है, ऐसा चलने लग गया। बताइए ये अश्लीलता हमें कहाँ ले जाएगी, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ये अलाउड नहीं है। हमारी तो एक पारिवारिक व्यवस्था है, हमारे मूल्य है, हमारे जीवन की सार्थकता है, और हम उस सार्थकता को भटक रहे हैं। मैं किसी पाश्चात्य सभ्यता की उस संगति की जो है वो अवहेलना या उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, वो अपनी जगह अच्छी है, उनमें बहुत सी अच्छाइयां हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयां ना लेकर के, और जिन लोगों से जो लोग उबते जा रहे हैं, वो उनको जो अच्छी नहीं लगती, फेडअप हो गए, वो हमने ग्रहण कर ली है। जैसे कि देखिए डर्टी जीन्स, बड़ा कितना बुरा लगता है, फाड़ फाड़ करके जीन्स को जो लड़के लड़कियां जो है वो कर रहे हैं, और देखिए कपड़ा कितना घट गया, ये सब बुरी संगति है। इसको हमारा भारतवर्ष का लिबास देखिए, एक नारी साड़ी के अंदर या जो है कुर्ता और जो है पाजामा जो पहनती, कितनी सुंदर लगती है, वो हमारी एक आभा है, वो हमारा एक नूर है, वो हमारी एक सज्जा है, हमारा एक सौंदर्य है। हम कहाँ भूल गए हैं, कहाँ भटक गए हैं, आज पूरा परिप्रेक्ष्य जो है उस तरफ जा रहा है, बुराई की तरफ जा रहा है, बुरे संगत की तरफ जा रहा है, लोग अपराध में चले गए। इसका एक कारण तो ये नजर आ रहा है कि व्यक्ति लोभ के अंदर चला गया है। सबसे बड़ा कारण जो मेरी समझ में आ रहा है कि एक अर्थमेटिक के अंदर थ्योरम आती है, अगर किसी सेंटर में से एक सर्कल खींचा जाए तो एक सेंटर से एक ही सर्कल होता है। आज से 30, 40, 50 साल हमारा युग था, हमारे बचपन का युग था, उसके अंदर व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति को केंद्र में रखा जाता था, वह पूजनीय होता था, वंदनीय होता था, स्तुत्य होता था, उसकी बात मानते थे, उसको प्रणाम करते थे, उसके बाद जाकर के सीखने की बात करते हैं। और हमारे जो साधन है, धन है, संपत्ति है, वो परिधि में माने जाते थे, क्योंकि वो साध्य नहीं थे, साध्य व्यक्ति था, वो व्यक्ति का निर्माण, व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का निर्माण करता था। लेकिन आज उल्टा हो गया है,
आज मानव इतना अर्थवादी हो गया है, इतना धन लोलुप हो गया है, इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया है कि जो केंद्र के अंदर गुणवान व्यक्ति को उसको फेंक दिया परिधि पे, और परिधि पे जो धन दौलत वगैरह थी उसको सेंटर में ले आए, तो आज एक एक समाज के अंदर ऐसी दुर्भावना दुर्संगति फैल गई कि पैसा ही हमारा मापदंड है, पैसे से व्यक्ति बड़ा गिना जाता है, पैसा ही हमारा साध्य है, पैसा ही हमारा भगवान है। ये हमारी गलत मानसिकता पैदा कर दी। ये गलत मानसिकता क्यों आई? ये गलत मानसिकता बुरी संगति से आई है। हमारे मानसिकता को चेंज करना। आज हिंदुस्तान के अंदर कमी कुछ भी नहीं है। हमारा हिंदुस्तान में वही जमीन है, वही व्यक्ति है, वही भाषा है, वही धर्म है। कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो परिवर्तन आया हमारी सोच में आया है। हमारी सोच नेगेटिव हो गई है। अगर नेगेटिव सोच को हम हटा करके हमारी पुनः जो पुरानी पॉजिटिव सोच को लाएंगे तो हम फिर से जो है धर्म गुरु, अच्छे इंसान और जो है आज सोने की चिड़िया पुनः बन सकते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मेरे युवा बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं, अच्छी संगत में जाइए। एप्रन शोज दी मैन। व्यक्ति अगर अच्छे कपड़े पहनता तो अच्छा दिखाई देता है, रूपवान दिखाई देता है। उसी से गुण जो पैदा करने वाली वो संगत पैदा करती है, क्योंकि संगत प्रैक्टिकल होती है। हम बुक्स के अंदर जो पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वो हमारी थ्योरी है। वो थ्योरी भी अच्छी है, लेकिन उस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने के लिए अच्छी संगत में जाना पड़ता है। अच्छी संगत में जाने का अर्थ होता है बड़ी अच्छी कंपनी हो, जो कि नियमों पर चलती हो, भारतीय संस्कृति के अनुरूप चलती हो, उनके अंदर जाना ये अच्छी संगति है। अच्छे लोगों के साथ बैठकर, अच्छे टीचर के साथ बैठकर के जो है वार्तालाप करना अच्छे। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आपके जीवन का आधार है, आपके जीवन की दिशा को बदल देगा, आपकी दृष्टि को बदल देगा। दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी, दिशा बदल दो तो दशा बदल जाए। यही काम पुनरुत्थान करता है। पुनरुत्थान न तो कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई विद्या है, न कोई मैली क्रिया। ये मात्र जो है नकारात्मक सोच को बदल करके सकारात्मक में करना चाहता है। यही हमारे टोटल प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि भिन्न भिन्न विषयों के माध्यम से हम नकारात्मकता को सकारात्मक बल के बदल करके एक अच्छा इंसान बनावें। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और खूब आप संघर्ष करते हुए, परोपकार करते हुए अपने जीवन को धन्य बना करके खूब समाज की सेवा करें और सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव।